सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं जिसमें केंद्र सरकार ने रातों रात सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को सारे अधिकार छीन उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन चली सुनवाई के बाद आलोक वर्मा पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सीबीआई डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर की वॉर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब विवाद बीते 3 महीनों से जारी था तो रातों रात फैसला क्यों लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ही कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की पावर छीनने से पहले केंद्र सरकार को चयन समिति की राय और इजाजत लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो इसे कानून का बेहतर तौर पर पालन माना जाता। कोर्ट ने वर्मा को छुट्टी पर भेजने के खिलाफ याचिका दायर करने वाले एनजीओ से पूछा है कि क्या कार्यकाल तय होने से सीबीआई चीफ नियमों से परे हैं और उन्हें कोई छू नहीं सकता। दरअसल सीबीआई के नंबर 1 और नंबर 2 के अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अस्थाना और उनकी टीम के एक डीएसपी पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं अस्थाना का आरोप है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने ही 2 करोड़ रुपए की घूस ली है। इन आरोपों से सीबीआई में पैदा हुए हालातों के बाद केंद्र सरकार ने 23 अक्टूबर को जॉइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त कर दिया था और जांच जारी रहने तक सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और नंबर 2 अफसर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया। अब आलोक वर्मा के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की भूमिका और फैसले पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की ये जंग कब खत्म होगी और कब सीबीआई के पास लंबित पड़े देश के और मामलों की जांच शुरू हो पाएगी। नवोदय टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।